बहुत ही अच्छे और खूबसूरत स्थान पे है, ब्यूटीफुल प्लेस है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पर मुझे यही पता था कि मैं हम और हमारे जो बड़े पेरेंट्स वगैरह थे वो भी बचपन से हमें यहाँ लेके आते थे। हेलो गाइस, आज मैं हिमाचल के एक जाने माने मंदिर पियानू में आया हूँ। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाहे लोग नई फसल हो या शादी हो या किसी प्रकार की मन्नत मांगी हो, वो पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 प्लेटों का ऑर्डर दे दिया है, तब तक मैं आपको मंदिर का व्यू बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी सामने देखा होगा कि यहाँ पे पहाड़ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। इन पहाड़ों की ठंडक इतनी है कि मेरे मुंह पे, मेरे गालों पे इस पहाड़ से जो ठंडी हवा आ रही है वो मेरे मुंह पे टकरा रही है और मुझे वो फील हो रही है। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सीन है। आई डोंट नो ये कैमरे में कैच होगा या नहीं होगा, बट अगर आप यहाँ पे घूमने आओगे तो यहाँ एक अलग ही लेवल का व्यू है और एक अलग ही लेवल की काइंड ऑफ पीस यहाँ पे है और एक शांति आपको फील होगी। और तो फ्रेंड्स, मुझे चाचा जी ने आवाज़ डाल दी है, हमारे चन्नों की प्लेट गर्म हो चुकी है, तो चलिए ये करते हैं। चने और समोसे की प्लेट देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत लजीज है। खाना तो हमने खा लिया, खाना तो बहुत अच्छा था, खाना तो 5 स्टार था, पर जो चाचा ने रेट लगाए वो उससे भी 7 स्टार थे। देखिए, हमने चने की प्लेट खाई जो कि गांव के हिसाब से जो इसका रेट चल रहा है अभी वो 12 रुपये था, इसने हमें 25 रुपये चढ़ दिए। जो चाय का कप हमें 5 रुपये का मिलता था वो चाचा ने 10 रुपये का लगा दिया, जो डबल रोटी हमें 3 रुपये की मिलती थी वो चाचा ने 8 रुपये की लगा दी, और जो चने की तो खैर मैं बता चुका हूँ आपको, और जो समोसा हमें 5 रुपये का मिलता था वो चाचा ने 10 रुपये का लगा दिया। तो कुल मिला के हमारा जो बिल बना वो 125 रुपये बना हमारे हिसाब से, पर चाचा उसमें भी खिलवाड़ कर रहे थे, उसमें भी चाचा ने 135 बना दिए। फिर हमने पूछा तो 10 रुपये चाचा ने GST लगा दिए उन पे कि ये GST के थे, वैसे ही एक ढाबे पे। फिर बड़ी मुश्किल से बार्गेनिंग करके उनको चाचा से कम करवाया, पर चाचा मानने को तैयार नहीं थे। पर खैर, इन बातों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि इनका भी यही समय है, ये तो मजाक की बात थी एक बताना। पर खैर, अब इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। इन सबको देख के सब कुछ चिल किया जा सकता है, इसे हम इग्नोर मारते हुए अपने व्यू का एंजॉय करते हैं। गाइस, कोई नहीं, 125 रुपये कुछ नहीं होते, इनका भी यही समय होता है कमाने का। और ये देखो सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, और कुछ जगह ऐसी है यहाँ पे अभी भी धूप नहीं पड़ रही है, पहाड़ ऊपर से तो धूप पड़ रही है और नीचे बिल्कुल धुंध दिखाई दे रही है, और जो पहाड़ जिन पे धूप पड़ रही है वो बीच से गोल्डन कलर के और ऊपर से बिल्कुल सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी पहाड़ पे चांदी की प्लेट रख दी हो, और बिल्कुल घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं नीचे। और एक यहाँ से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एक जाल बिछा हुआ है, हर जगह आपको टावर और ज़्यादातर जियो के टावर दिखाई देंगे यहाँ पे, और सप्लाई हर एक चीज़, चाहे गाँव छोटे हैं पर फैसिलिटी से हर एक गाँव को कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। और ये मंदिर बहुत ही जाना माना मंदिर है, यहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई है, यहाँ पर लोग अपनी जिसे छमाही बोलते हैं 6 महीनों बाद अपनी फसल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो मेरे भाई ने बता दिया आपको, पर घूमते घूमते हमें मंदिर के पीछे एक चट्टान मिली,
और इस चट्टान पे जब हमने देखा तो कुछ लिखा हुआ था, और जब हमने इससे पढ़ने की कोशिश की तो हमें बस एक ही चीज़ मिली, दीपक वर्सेस बेबी वर्सेस आरके। और ये किसी ने सिंपल पत्थर से ही नहीं लिखा है, किसी ने छैनी हथौड़े से इन चीज़ों को उकेरा हुआ है इस चट्टान पे। मानवी वर्सेस पंकज, अशोक वर्सेस अनुराधा। तो गाइस मैं इन नामों को पढ़ने लगूँ तो इन नामों की लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी। अमित वर्सेस प्रिया। गाइस मुझे अगर इन नामों को पूरा पढ़ना पड़े तो शायद एक दिन से ज़्यादा टाइम लग जाए। और मुझे इस रॉक को देख के यही फीलिंग आ रही है कि हमारे इंडिया में चाहे किसी भी गांव में जियो का टावर पहुंचे ना पहुंचे, 4G कनेक्शन बिजली के कनेक्शन पहुंचे ना पहुंचे, पर ये आशिक और इस तरह की जो मंचले हैं ये हर एक जगह पहुँच जाएंगे। और ये ना किसी हेरिटेज साइट को देखते हैं और ना किसी धार्मिक स्थान को। और चट्टान के ऊपर चढ़ूंगा तो मुझे डर लग रहा है वैसे। इस चट्टान के परली साइड एक बहुत गहरी खाई है। और ये खाई बहुत गहरी है, आप देख सकते हैं कितनी गहरी है खाई। और मुझे यहाँ बैठने में थोड़ा डर लग रहा है, पर गोपाल जो है यहाँ पे खड़ा हो चुका है। पिछड़ हुए पिछड़ जा ओए दिल। एक्चुअली मुझे हाइट से डर, एक्चुअली मुझे हाइट से डर भी बहुत लगता है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूटिंग नहीं करूँगा। फ्रेंड्स मैं तो नीचे उतर गया हूँ, ये कैमरा मैन नीचे नहीं उतर रहा है, उतर नीचे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो एंड करता हूँ। और ये मंदिर बहुत ही अच्छे और खूबसूरत स्थान पे है, ब्यूटीफुल प्लेस है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पर मुझे यही पता था कि मैं हम और हमारे जो बड़े पेरेंट्स वगैरह थे वो भी बचपन से हमें यहाँ लेके आते थे। और ये मंदिर एक बहुत ही अच्छी साइड पे है, इसके एक चारों साइड पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और एक साइड तो ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा है। और फ्रेंड्स आपको हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आए या फिर ईयरफोन लगा के सुननी पड़े, और एक्चुअली में मेरा माइक आज घर में रह गया, मुझे ध्यान नहीं रहा लाने का जल्दी जल्दी में। और चले जाओ तो फ्रेंड्स अभी वीडियो में और इस मंदिर के बारे में बताने के लिए कुछ और नहीं है, बस थोड़ा सा हम जब पहले आते थे, मैं लास्ट बार जब इस यहाँ पे आया था तो ये मंदिर इस तरह सीमेंट का नहीं था, ये कच्चा था। अब इसको इसका जो है बाहर से सीमेंटेड कर दिया गया है। और थोड़ा सा मैं इसका अंदर का इंटरफेस बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ओके बाय।